أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم Dear students السلام عليكم आज की जो डेट है वो है 4th June 2021 Class 6th Subject English Chapter number 3 Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam प्यारे बच्चों हमने कला हमने ये चैप्टर नंबर 3 शुरू किया था ये क्लास 6th के लिए है चैप्टर नंबर 3 इज प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पहले बच्चों हमने एक क्लास इसका पढ़ा था पिछले दफा आज हम यही सबक आगे पढ़ने जा रहे हैं आप निकालिए पेज नंबर 24 पेज पर ये सबक दिया गया है सलोमान साकड ओ गॉड हाउ कुड द फादर डू इट नानी ऑल द अरब्स डिड इट दे गैम्बल्ड ड्रैंक वैन एंड इंडल्ज्ड देमसेल्व्स इन ऑल काइंड्स ऑफ इवल डीड्स कमाल वाज देयर नो गवर्नमेंट देयर I mean police, etc. Nani, no the Arabs lived in groups called tribes. Each tribe had a head who could control everything. Killing of daughters, drinking, dancing, and other evil deeds were the fashion of the day. Shabnam, fashion, what do you mean? Nani, I mean all the Arabs could do the same where they were rich or poor. All the children, oh, how sad. Nani, yes, it was during these times that Muhammad sallallahu alaihi wasallam was born of Amina who had been married to Abdullah from a respectable family called Quraysh. In Mecca, as luck would have it, Abdullah had died before Muhammad sallallahu alaihi wasallam was born. Ahmed, oh, who looked after him then? प्यारे बच्चों हमने आज इसका दूसरा सबक पढ़ा ये पेज 24 पर है आज हम ये देखेंगे कि उसके बाद जो नानी उनको अपने बच्चों को ये कहानी सुनाती थी ये इसके बारे में पहले बच्चों हमारे नबी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में वो उनको ये कहानी सुनाती है सोलोमन साकर ओह गॉड हाउ कुड द फादर डू इट सोलोमन ने अपनी नानी से बताया ओह गॉड ए अल्लाह हाउ कुड द फादर डू इट एक बाप किस तरह अपनी बेटी को जिंदा दफन करता था नानी ऑल द अरब्स डिड इट नानी ने क्या जवाब दिया कि सब अरब वाले ये करते थे दे गैम्बल्ड ड्रैंक वाइन एंड इंडल्ज देमसेल्व्स इन ऑल काइंड्स ऑफ इवल डीड्स जो अरब के लोग थे वो जुआ खेलते थे वो शराब पीते थे वो नाज बर्दारी में लगे हुए थे वो हर किस्म का बुरा काम करते थे कमाल वाज देयर नो गवर्नमेंट देयर आई मीन पुलिस एटसेट्रा कमाल ने बताया क्या उस वक्त वहां पर हुकूमत नहीं थी उसका मतलब था पुलिस वगैरह नानी नो द अरब्स लिव्ड इन ग्रुप्स कॉल्ड ट्राइब्स नानी ने बताया नहीं जो अरब के लोग थे वो कबीलों में रहते थे ईच ट्राइब हैड अ हेड हु वुड कंट्रोल एवरीथिंग हर कबीले का एक एक हेड होता था सरदार होता था वही उनको कंट्रोल करता था किलिंग ऑफ डॉटर्स ड्रिंकिंग डांसिंग एंड अदर इवल डीड्स वायर द फैशन ऑफ द डे हाँ बच्चियों को जिंदा दफन करना शराब पीना डांस करना बुरे बुरे काम करना वो उनका उस वक्त
फैशन बन गया था, वो उनका रिवाज बन गया था। शबनम, फैशन, व्हाट डू यू मीन? शबनम ने कहा फैशन इसका क्या मतलब है? नानी, आई मीन ऑल द अरब्स वुड डू द सेम। नानी ने बताया कि जो ये अरब के लोग थे वो ये सब काम करते थे, वायर दे वायर रिच आर पुअर, चाहे वो अमीर थे या गरीब थे। ऑल द चिल्ड्रन ओ हाउ सैड, सब बच्चों ने कहा था, सब बच्चों ने कहा ओ हाउ सैड, ये कितना बुरा था। नानी, यस, इट वॉज ज्यूरिंग दीज टाइम दैट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वॉज बॉर्न ऑफ अमीना हु हैड बीन मैरिड टू अब्दुल्ला। हाँ, इट वॉज ज्यूरिंग दीज टाइम्स, ये वो वक्त था जब हमारे आका हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पैदा हुए, अमीना हु हैड बीन मैरिड टू अब्दुल्ला, हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम किस औरत से पैदा हुई, हमारी माँ अमीना। पहले बच्चों ये हमको पता होना चाहिए कि उसकी माँ का नाम क्या था, अमीना, जिसकी शादी हो गई थी अब्दुल्ला के साथ फ्रॉम ए रेस्पेक्टेबल फैमिली। वो एक रेस्पेक्टेबल फैमिली मानी जाती थी अरब में, कॉल्ड कुरैश, कुरैश खानदान से, इन मक्का, मक्का में। एज लक वुड हैव इट, उनको ये किस्मत था ऐसा, अब्दुल्ला हैड डाइड बिफोर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बार्न, लेकिन अब्दुल्ला पहले ही वफात हो चुके थे जब हमारे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 4 साल के थे। अहमद, ओह हु लुक्ड आफ्टर हिम देन, अहमद ने बताया जब उसका वालिद इस दुनिया से वफात पा गए तो उसकी रखवाली किसने की। पहले बच्चों आज हमने ये इसका और सबक पढ़ा, अब इसमें कुछ अल्फाज आते हैं वो भी मैं बताऊंगा। एक लफ्ज है गैम्बलर, गैम्बलर का माना है जुआ खेलना। इसी तरह है इंडल्ज, इसका माना है नाज बरदारी। इसी तरह ट्राइब्स, कबीला, इवल शरीर। अब प्यारे बच्चों ये था आज का क्लास, आइंदा इंशाल्लाह दूसरे क्लास में हम इसके बारे में पढ़ने जा रहे हैं।